रविवार की सुबह अफगान दूतावास ने अपने बयान में कहा, गहरे दुख, अफसोस और निराशा के साथ बताना पड़ रहा है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास ने अपने संचालन को बंद करने का फैसला किया है। दूतावास ने कहा, यह फैसला बेहद खेदजनक है। अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए और इस पर विचार करते हुए यह फैसला लिया गया है। अफगानी दूतावास ने कहा कि वियना कन्वेंशन कूटनीतिक संबंध 1961 के अनुच्छेद 45 के मुताबिक दूतावास की सारी संपत्ति उस देश को दे दी जाएगी जिसमें दूतावास काम कर रहा है। दूतावास ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि वे पहले सौंपे गए आधिकारिक नोटों की सभी बातों का ख्याल रखें और उस पर गौर करें। आगे अफगानी दूतावास ने कहा कि राजदूत और दूतावास के राजनयिकों ने पिछले 22 सालों में अफगानिस्तान को उनकी मदद के लिए भारत के लोगों का और भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बता दें, भारत में अफगान दूतावास ने तालिबान शासन की ओर से संसाधनों की कमी और अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत में अपने संचालन को बंद कर दिया है। दूतावास ने कहा कि कुछ वाणिज्य दूतावास है जो तालिबान सरकार के निर्देश और फंड पर काम करते हैं, वो वैध नहीं है और ना ही वो चुनी हुई सरकार के मकसद के मुताबिक काम कर रहे हैं, बल्कि एक अवैध शासन के हितों का ख्याल रखते हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन स्थापित होने के बावजूद भारत में अफगानिस्तान की पुरानी सरकार के राजनयिक और दूतावास काम कर रहे थे। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास का नेतृत्व राजदूत फरीद मामुंजे कर रहे थे। उन्हें अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था और अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद भी वो अफगान दूत के रूप में काम कर रहे थे। बताया गया कि सभी दूतावास कर्मी भारत छोड़कर जा चुके हैं। अफगानिस्तान की तालिबान शासन ने भारत के साथ आधिकारिक रूप से संबंध तोड़ लिए हैं। तालिबान के सत्ता कब्जाने के बाद 2 साल से अफगान दूत भारत में काम कर रहे थे। भारत को इससे तकलीफ नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दूतावास बंद करने की लगातार खबरें सामने आ रही थी, जिन्हें आज अफगानिस्तान ने अपनी ओर से एक बयान जारी कर साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।